हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि UPRVNL की जो वैकेंसीज आई हैं TG2 की, तो इसमें कैसे तैयारी करें कि इसमें इस बार आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, और बदला हुआ पैटर्न में कैसे तैयारी करें, किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का पेपर पैटर्न कुछ डिफरेंट रहने वाला है, यानी इस बार कुछ अलग तरीके का पेपर आने वाला है। तो इस सब पे मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और उसको ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। बात करें अगर कि UPRVNL के पेपर पैटर्न की, तो UPRVNL और UPPCL में सेम रहता है, बस फर्क ये रहता है कि UPRVNL का जो पेपर होता है वो PCL के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। और दूसरा डिफरेंस जो रहता है वो ये रहता है कि जो UPRVNL है इसमें जो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस हैं उसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, और इसके अलावा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बात करें अगर कि इस बार का पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा पिछली बार UPPCL में जो TG2 की वैकेंसीज निकली थी उसमें जो 25 तारीख वालों का पेपर हुआ था वो एकदम ही डिफरेंट था 24 तारीख वालों से, यानी पेपर में एकदम ही चेंज कर दिया गया था। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसने पिछली बार UPPCL का पेपर दिया था TG2 का, तो जिन लोगों का 25 तारीख की शिफ्ट में था तो उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यानी लास्ट टाइम अगर आपकी बात करें कि PCL में जो 25 जनवरी का पेपर हुआ था तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था और इस वजह से काफ़ी दिक्कत आई थी स्टूडेंट्स के सामने। उसके अलावा जो अभी UPPCL में JEE के जो पेपर हुआ है उसकी बात करें तो उसका भी पेपर पैटर्न एकदम ही बदला हुआ था। जिस टॉपिक से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते थे उन टॉपिक से अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो समझ लीजिए कि आपको एकदम कन्फ्यूज करने वाले हैं और एकदम ही लीक से हट करके हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको सच से सामना करना पड़ेगा। इसमें चांसेस हैं कि इस बार भी वैसा ही पेपर आए जो कि एकदम टोटली डिफरेंट हो, तो आपको उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन और उसके अलावा जो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आप नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि अर्थिंग हो गया, सेफ्टी जो भी इक्विपमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, ये सब टॉपिक्स आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं। ड्राइंग आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि आजकल बदले पैटर्न में यही हो रहा है कि जो टॉपिक्स स्टूडेंट छोड़ रहा है एग्जामिनर वही से क्वेश्चन पिकअप कर रहा है। तो आपको कोई मौका नहीं देना है एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने का या फिर ऐसा पेपर सेट करने का जो कि आपको ना आता हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसको तैयार नहीं करना है, नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं वो सब तैयार करिए, लेकिन उसके अलावा जो आप छोड़ रहे हैं, यानी मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ता है, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन की, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ड्राइंग में, अर्थिंग में, ये सब वो पोर्शन है जो कि नॉर्मली एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, ITI का हो चाहे डिप्लोमा का हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, और हो सकता है कि इस बार भी आपको पैटर्न एकदम बदला हुआ दिखे और वहाँ वहाँ से आपको क्वेश्चन दिखे जहाँ से आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और बदले हुए पैटर्न के लिए अभी से अपने आप को तैयार करिए ताकि एग्जामिनेशन में जब आप जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।